الحمد لله رب العالمين والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين अज़ीज़ान गिरामी बुज़ुर्गों नौजवानों अज़ीज़ दोस्तों और मेरी मुअज़्ज़ज़ माओ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सिलसिलेवार सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाफिल का ये सिलसिला और ये तसलसल ये अल्लाह के फजल व करम से मंजिल ब मंजिल आगे बढ़ रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अब तक सुने हुए अबवाब जो थे वो नबुव्वत के ऐलान से पहले के अबवाब थे, जिसके अंदर आपने परवरदिगार आलम की शफ़क़तें और रहमतें और एहतमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसबे पाक के हवाले से समाअत किया और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी के हवाले से समाअत किया। वे परवरदिगार आलम की हिकमतों भरे फैसले हुजूर की ज़िंदगी के मुतालिक आपने देखा कि बावजूद वालिदे माजिद और वालदे माजिदा के इस दुनिया से जल्दी परवाज कर जाने और जल्दी इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बावजूद ख़ानदान की तरफ से बड़ा मोहब्बत और प्यार का मामला शफक्क़त का मामला हुजूर के साथ रहा। दादा जान क़िबला की सोहबत में और उनकी परवरिश में रहे, उसके बाद चचा जान बड़े एहतमाम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश फरमा रहे हैं, हुजूर उनके घर में हैं, और फिर 25 साल की उम्र के बाद से उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीक हयात बनकर ज़िंदगी के हर लम्हे में हुजूर के शाना बशाना हर काम में आगे बढ़कर पेश पेश हैं। यहाँ तक तकरीबन 39-40 साल के इस सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत एहतमाम से 40 साल का सफ़र तय किया, लेकिन जो कुछ मशक्क़तें इस रास्ते में अभी तक हुई हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि अब तक के 40 साल के अंदर हुजूर की ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल नहीं था और कोई मशक्क़त नहीं थी, मशक्क़तें थी, लेकिन आइंदा आने वाली जो मशक्क़तें अब 40 साल के बाद की मशक्क़तें हैं वो पिछली तमाम मशक्क़तों से कई गुना ज़्यादा है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल ज़िंदगी से कल तक जो हमने समात किया था, हुजूर तशरीफ़ ले जा रहे थे गारे हिरा पर और हुजूर ने ख़ुद फरमाया था, हुब्बिबा इलैयल खला, मुझे अकेले रहना पसंद होने लगा। सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा से अपना तोशा लेकर गारे हिरा पर एक सुई के साथ जाकर बैठ जाते और वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तिदा में सबसे पहले जो नबुव्वत का आगाज़ हुआ उसके बारे में हुजूर फरमाते हैं उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा से इस मरहले के मुताल्लिक एक तवील हदीस बुखारी शरीफ में रिवायत की जाती है, जिसमें उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, इन्ना अव्वल मा बुदिअ बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनन नबुव्वा हीन अराद अल्लाहु करामतहु व रहमत अल इबाद बिही अर्रुया अस्सादिका। नबुव्वत का आगाज जो फरमाया वो सच्चे ख्वाबों के जरिए फरमाया कि इब्तिदा में तकरीबन 6 महीने तक सरकार दो आलम सैयदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में ख्वाब देखते और सुबह वो ख्वाब मिनुअन यानी सुबह सादिक की तरह नमूदार हो जाता और ये सच्चे ख्वाबों की जो लिमिट और जो टाइम पीरियड था वो 6 महीनों का था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब जो आना शुरू हुए वो रबीउल अव्वल की दूसरी तारीख से शुरू हुए, इसीलिए कहा जाता है कि माह रबीउल अव्वल का ताल्लुक विलादत से भी है, बेअसत से भी है, हिजरत से भी है और वफात इस दुनिया से तशरीफ ले जाने से भी। बावजूद ये कि पहली वही जो आई है वो 17 रमजानुल मुबारक को आई, पहली वही जो इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक वो वही 17 रमजान को, लेकिन ख्वाबों की इब्तिदा जो होती है 2 रबीउल मुनव्वर को। तो रबीउल अव्वल से रमजान ये 6 महीने, तो ये 6 महीनों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो ख्वाब मुसलसिल आते रहे, इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस से हुजूर फरमाते हैं कि ख्वाब जो है वो नबुव्वत का 46वां हिस्सा है, नबुव्वत का 46वां हिस्सा, 46 कहते हैं 46 को, ख्वाब नबुव्वत का 46वां हिस्सा है। कैसे? तो आप देख सकते हैं कि हुजूर की नबुव्वत के 23 साल, 13 साल मक्के में और 10 साल मदीने मुनव्वरा में, इन 23 सालों को अगर आप आधे आधे यानी 6-6 महीने पे अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो 23 का अगर आप डबल करते हैं तो 46, 23 के अगर आप डबल करते हैं तो 46, तो उसमें से 6 महीने जो है वो ख्वाब के थे। तो हुजूर फरमाते हैं कि सच्चे ख्वाब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का 46वां हिस्सा है, 46th पार्ट है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उम्मुल मोमिनीन सईद आयशा फरमाती है कि रबीउल अव्वल ही से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे और पक्के ख्वाब देखना शुरू फरमा दिए थे, ख्वाब ऐसे देखते और सुबह मिनुअन वो ख्वाब होता। जब कोई गारे हिरा में जाता हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो हुजूर दरियाफ़ फरमाते हजरत खदीजा से हो या दूसरों से, फरमाते कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा, क्या वहाँ पर ऐसा मामला पेश आया है? फरमाते हैं कि बिल्कुल मिनुअन वही हालात मक्के में पेश आए। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ऐसे ही गारे हिरा में ये कैफियत चलती रही, इसी दौरान ख्वाब का सिलसिला भी चलता रहा और जो मैं कल जो अहवाल बयान किया कि एक छोटा सी एक शमा की तरह दिखने लगा और फिर एक आवाज़ सुने आने लगी और फिर वो शमा एक शक्ल इख्तियार करने लगा, ये मामला चलता रहा। अब यहाँ मैं बात आगे बढ़ाने से पहले बुखारी शरीफ की जो हदीस हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, मैं पहले वो हदीस पूरी आपको सुना देता हूँ। थोड़ी तवील हदीस है, इसमें पूरे मरहले उन्होंने बयान फरमाया है।
सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बाद में जब हुजूर की ज़ौजियत में आई तो सहाबा से उन्होंने ये अहवाल जो हुजूर से बार बार उन्होंने सुना सुनाया, फरमाती हैं कि हीना हाँ ला यरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुयन फी नौमिह इल्ला जाअत कफलक सुबह, हुजूर रात में जो भी ख्वाब देखते वो दिन में सुबह सादिक की तरह रोशन नजर आता। قالت وحبب اليه الخلوه ام المؤمنين فرماتی ہیں حضور کو اب اکیلے رہنا لوگوں کے درمیان رہنا گوارا نہیں تھا اکیلے رہنا پسند تھا فلم يكن شيء احب اليه من ان يخلو وحده تنہائی سے زیادہ پسندیدہ چیز حضور کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہی تھی واختار لخلوته المحببه اليه جبل حراء آپ کی پسندیدہ خلوت کے لیے آپ نے جبل حراء کا रुख किया और उसको पसंद किया। वहुवा अहदु जिबालु मक्का अल मुतिल्ला अलैहा, वो मक्के का एक ऐसा तवील पहाड़ था कि दूर मक्के से दूर तो था लेकिन जब उस पे बैठते तो क्लियर काबतुल्लाह की तस्वीर हरम काबा बड़ा आसानी से नजर आता। और आज भी अगर आपको अल्लाह ने मौका दिया है तो जाकर देखें गारे हिरा से हरम शरीफ काबतुल्लाह बड़े वाज़ेह अंदाज में दिखता है। यह अलग बात है कि जालिम इस वक्त जो क्लॉक टावर बनाकर अलामत काबा जो बना दिया है दुनिया को काबे की तस्वीर से ज्यादा उस टावर को फैलाया है वो फिरौनी दज्जाली टावर है। लोगों के नजरों से काबतुल्लाह की तस्वीर को हटाने और फिर इस टावर को मशहूर करने के लिए उन्होंने किया है। जब मैं अब जाकर देखता हूं तो वहां पर जिस सुराख से जिस बीच के रास्ते से काबतुल्लाह नजर आता था वो टावर नजर आता है, काबा नजर नहीं आता। तो वो दज्जाली टावर है, वो कोई अल्लाह के लिए कोई अच्छा काम नहीं है, वहां पर कोई इमारतों की जरूरत नहीं है। बहरहाल अजीजान इकरामी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पहाड़ के इंतखाब की वजह भी ये थी कि हुजूर उस सोसाइटी से अलग भी होना चाहते थे और सोसाइटी पे नजर भी रखना चाहते थे, काबतुल्लाह से दूर भी रहना चाहते और उस काबे की वो उस पहाड़ की चोटी से काबे का दीदार भी करना चाहते, उस जगह का इंतखाब हुजूर ने फरमाया था। बहरहाल फरमाते हैं कि फकान यखलू बिही मुजाविरन फीह यतहन्नसु, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर तन्हाई में बैठे होते, तन्हाई में चले जाते और ये चाहते हुजूर के वहां पर कोई शिर्क करने वाले के गुजर भी मेरे ऊपर से रहो। अल्लाह अकबर, अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं तो शिर्क से इतनी नफरत कि खुद तो ना करें और करने वाला भी मेरे सामने से ना गुजरे, मोहब्बतों की अलामत ये है। तो वो गुजरे भी नहीं, उसके बोल भी मेरे कान में ना पड़े। हजरत आयशा फरमाती हैं तो फिर क्या हुआ, وهو ما يراه ويسمعه من الشرك والباطل بين افراد قومه من قريش وفي ليله من ليالي رمضان। अब हजरत आयशा वो कैफियत को यानी ये 6 महीने यही हालत में गुजरते रहे। इसके बाद रमजानुल मुबारक की 17 तारीख थी, रमजानुल मुबारक की एक रात ولعلها السابعه منه शायद वो 17 रमजान था कि नजर अलैहि जिब्राइल अलैहि सलाम, अब तक जिब्राइल आ रहे थे, कभी रोशनी की शक्ल में आए, कभी आवाज सुनाए, कभी कुछ और कभी कुछ, लेकिन पहली मर्तबा हजरत जिब्राइल अमीन अलैहि सलातु वस्सलाम बड़े एहतमाम से हुजूर को नमुदार हुए, हुजूर को नजर आए। फरमाते हैं कि यहमिलु बुशरन नबुवा, और अपने साथ नबुवत की बशारत लेकर आए और क्या फरमाया, तमहीदन लिहम्ल रिसालती इला नास काफ्फा, इस बात के इजहार के लिए कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आप रिसालत का ऐलान फरमा सकते हैं और पूरे लोगों को अल्लाह की तरफ दावत फरमा सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये दिन आपके लिए मुकर्रर फरमाया है। वहा हुआ जा इमामुल मुहद, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने तफसील से जिक्र किया है। इसी तरीके से आगे और जिक्र होता है, हजरत आयशा फरमाती हैं अव्वल मा बुदी अबी रसूल फकान ला यरा रुया इल्ला जाअत बिस्तफलक सुबह, उसके बाद की हदीस में आगे जिक्र फरमाती हैं हजरत आयशा फरमाती हैं कि हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाए, इस जैसी और हदीसें हैं मैं वो भी जिक्र करूंगा,
और क्यों इसको एहतमाम से जिक्र कर रहा हूं, यहां नौजवान है, स्टूडेंट्स है और ख्वातीन ने भी लड़कियां हैं, आज के दौर के लिहाज से ये सीरत का सबसे अहम तरीन पार्ट है। और क्यों आपको अर्ज करता हूं, दुनिया में जितने मजाहिब हैं, अगर उनको दो मिनट में अगर मैं कह दूं तो वो मजाहिब है जिनका अल्लाह से कोई ताल्लुक ही नहीं, आसमानों से कोई राबता ही नहीं है। इसके अंदर पूरे बुत परस्त जितने किस्म के मजाहिब है आप ले सकते हैं, कल्चर्स मिल करके बने हैं। दूसरे वो मजाहिब हैं जिनको दावा है कि हम आसमानी मजाहिब हैं, जैसे यहूदियत है, ईसाइयत है, ये दो ही है। तो चाहे वो मजाहिब हो या चाहे ये मजाहिब हो, जिनको आसमान से ताल्लुक ही नहीं, दावा भी नहीं, वो तो हमारे करीब भी नहीं आ सकते हैं। और जिनको ये दावा है कि हमारे पास किताब है, हमारे पास आसमान से राबता है, आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके पास आसमानी राबते की कोई दलील नहीं। कि कैसे तुम्हारा राबता आसमान से है, ये हमें भी मालूम है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर सहीफे नाजिल हुए, तौरात नाजिल हुई। लेकिन मैं अगर पूछूं कि सैयदुना मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात नाजिल होने का तरीका क्या था, पूरी आलम यहूदियत सरनिगू हो गई, लेकिन हजरत मूसा पे उतरने वाली वही की कैफियत नहीं बयान सकेगी। हजरत ईसा के मानने वाले पूरी दुनिया में मेजोरिटी में है, उनके पास दावा है कि इंजील है। और उनसे अगर पूछो कि हजरत ईसा से अल्लाह बात कैसे करता था, जिस दलील से मैं आज बात कर रहा हूं 1500 साल के बाद, 1450 साल के बाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम इस यकीन से बात कर रहा हूं कि आज से 1450 साल पहले मेरे आका सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा की गलियों से चलते हुए गारे हिरा पर चढ़ करके इतने इतने महीने वहां क्याम फरमाया। इब्तिदा में हजरत जिब्राइल ऐसे आए, फिर ये कैफियत थी, फिर ये मामला था, और उसके बाद इस तरीके से नमूदार हुए, और फिर रूए जमीन का कनेक्शन हजारों सैकड़ों सालों के बाद इंसानियत से रब का ताल्लुक जो जोड़ना हुजूर का था, पूरी मखलूकात को आसमान वाले रब से जोड़ने का जो मंजर कशी बुखारी शरीफ में और हमारे पास है, पूरी कायनात में इसका कोई तसव्वुर, इसकी कोई दलील नहीं मिलती। पूरी कायनात में यह सिर्फ सीरत रसूल का मामूली वाकया नहीं, अब यहां से बिखरी हुई इंसानियत अपने रब से कनेक्ट हो रही है, अब पूरी मखलूकात अपने खालिक से जुड़ रही है, अब जमीन और आसमान का राबता बन रहा है, अब आसमान और जमीन की कनेक्टिविटी बन रही है, जमीन के हजारों मखलूकात जो आज तक बेचैन और बेकरार थे, मालूम था हमारा एक खालिक है, मालूम था हमारा एक मालिक है, लेकिन परवरदिगार से राबते की जो रस्सी थी वो अब तक कटी हुई थी, वो बिखरी हुई थी। ये गारे हिरा पर हुजूर के चार साल जाना आना, कयाम करना, वहां पर एतिकाफ पे बैठना, तन्हाइयों में बैठना, परवरदिगार की तवज्जुहात को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, और रब्बुल आलमीन के उस अजीम शान मोहब्बतों वाले पैगाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, और परवरदिगार जिब्राइल अमीन रूहुल कुद्स को हुजूर के पास भेजना, और यहां से फिर एक बार जो सैकड़ों सालों से टूटा हुआ रिश्ता, जो एक जमाने से कटी हुई डोर, अब मिलने जा रही है, कनेक्ट होने जा रही है, और फिर इंसानियत का रास्ता आसमानों से मिलने जा रहा है, और परवरदिगार आलम का पैगाम आने के रास्ते फराहम हो रहे हैं। इसीलिए आप अंदाजा करें, कुरान मजीद के बाद सबसे आजम तरीन किताब हदीस के बाब में अगर है तो वो बुखारी शरीफ है। इतने एहतमाम से उन्होंने बुखारी लिखी, लेकिन बुखारी का सबसे पहला बाब है तो बाबू बदइल वही। ईमान वालों, कयामत तक तुम्हें चैलेंजेस आएंगे, बड़े बड़े मजहब वाले तुम्हारे सामने सीना ठोक कर आएंगे, तुम उनसे ये सवाल कर दो कि तुम किस बुनियाद पे बात कर रहे हो, तुम्हारे पास तौरात है तो उसकी आने की जरिया बता दो,
और हम जो बयान कर रहे हैं ये पहला बाब बुखारी का, उसकी उश्रे अशीर तुम बता करके बता लो। अल्लाहु अकबर, ये कोई मामूली एहसास नहीं मुसलमानों के लिए। जमीन पे बैठे हैं, आसमान वाले से कनेक्टिविटी है, और कनेक्टिविटी, जिन कनेक्टिविटी से आज आप अपने सजदों में तड़प रहे हैं, आज अपनी दुआओं में अपने परवरदिगार को पुकार रहे हैं, आज जो अपने दरमियान बात कर रहे हैं कि इससे तुम्हारा रब राजी हो नाराज है, और इससे तुम्हारा रब खुश होता है और इससे नाखुश होता है, ये जो एहसासात की एक लहर हमारे अंदर दौड़ी हुई है, ये जो करंट और खून के अंदर हमारे साथ, हमारे खून की तरह हमारे जो एहसासात दौड़ रहे हैं कि किससे मेरा रब राजी है और किससे नहीं, रब की रिजा की ये फिक्र जो है वो इस कनेक्टिविटी की वजह से है, और ये कनेक्टिविटी अब पैदा हो रही है। अजीजाने गिरामी, तो क्या हुआ यहां, एक और हदीस शरीफ थोड़ी और वजाहत से आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। हदीस शरीफ यानी देखिए, यहां पर हदीस बुखारी की भी हो सकती है, सीरत के किताबों में भी बुखारी यानी अहादीस मिलते हैं। इसमें एक जगह फरमाया, नजल अल मलकु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि हिरा। आप अंदाजा करें कि महीना बयान करते हैं, दिन भी बयान करते हैं, और वो दिन कौन सा था, पीर का रोज था, यौम अल इस्नैन लिसमे अशरता खलत मिन शहरी रमजान, 17 रमजान की 17 रातें रमजान की गुजर चुकी थी। ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ابن 40 سنه, اور حضور کی عمر شریف اس وقت 40 سال مکمل کر چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ وجبريل الذي كان ينزل عليه بالوحي, اور جبرائیل وحی لے کر تشریف لا رہے تھے۔ اور پھر اور ایک جگہ فرماتے ہیں, كان ثم استعلن له جبرائيل عليه السلام وهو باعلى مكه, جبرائيل امين عليه الصلاه والسلام रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए उसी बुलंद तरीन मकाम के ऊपर। फअजलसहु अला मजलिसिन करीबिन मुअजिबिन, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन को बड़ी इज्जत के साथ बिठाया। कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, हुजूर ये फरमाते थे, أجلسني على بساط كهيئة الدرنوك فيه الياقوت واللؤلؤ۔ امام بیہقی نے دلائل النبوة میں سے روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل آئے اور فرماتے ہیں کہ مجھے فرمائے کہ میں جب بٹھایا جبرائیل کو تو مجھے بھی بٹھایا, تو حضور فرماتے ہیں کہ گویا قالین کی طرح ایک فرش بچھا ہوا تھا جو قالین کی طرح ہے۔ کیسے تھے؟ فیہ الیاقوت واللؤلؤ, उसके अंदर याकूत और लुलू थे। और उसके बाद जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम फबशरहु बिरिसालतिल्लाहि तआला, फिर उन्होंने बशारत दी कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको रिसालत की बशारत देता है। हत्ता इत्मअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन हो गए। فقال له جبرائيل, اب یہاں آگے کا حصہ بیان کرنے سے پہلے پھر ایک بار آپ کو رکاتا ہوں, بہت عقیدے کی اور اہم بات ہے۔ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حتی اطمئن, یہاں تک کہ حضور مطمئن ہو گئے۔ آدمی مطمئن کب ہوتا ہے؟ اطمینان اس وقت ہوتا ہے جب کبھی کوئی چیز کا وہ منتظر تھا اور اب وہ چیز اسے مل گئی تو مطمئن ہوتا ہے۔ कोई चीज उसको एक्सपेक्टेड नहीं थी, अचानक मिल गई तो मुतमईन नहीं, बेचैन होता है, ये क्या हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह आप नबी कब थे? तो हदीस शरीफ में हुजूर फरमाते हैं, कुंतु नबियन व आदमु बैनल माई व तीन, मुझे अल्लाह ने उस वक्त नबी बना दिया था जब अभी आदम का पुतला भी नहीं बना गया था। हजरत आदम मिट्टी और पानी से उनका खमीर गूंदा जा रहा था, अल्लाह ने मुझे उस वक्त नबी बना दिया। तो ये हमारा अकीदा है कि हुजूर नबी पहले बनाए गए, इसलिए कुरान भी इस पे शाहिद है, हदीस भी इस पे शाहिद है, नबुवत हुजूर को सबसे पहले मिल गई। अब लेकिन हुजूर को भेजा बाद में गया, उसके बाद हुक्म हुआ कि हम जब तक न फरमाए आप ऐलान नबुवत ना कर ले। जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए,
हुजूर अपनी उम्र शरीफ गुजार रहे थे 35 साल की उम्र में, जो तन्हाई में गए इसी इंतजार में। वहां पर जाने के बाद जब वो राबता शुरू हुआ, मुतमईन होते गए, जिस रात हजरत जिब्राइल आए और फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बशारत देते हैं, खुशखबरी देते हैं। किस बात की खुशखबरी देते हैं? कि आप अब अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगाम और रिसालत को आम करेंगे। तो हुजूर मुतमईन हो गए। फकाल लहू जिब्राइल, अब आगे सुने, हजरत जिब्राइल फरमाते हैं इक्रा, ए महबूब पढ़िए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, हजरत आयशा फरमाती हैं, ये फिर हदीस यहां से फिर बुखारी शरीफ में मिलती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल ने फरमाया इक्रा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ूंगा। दूसरा, माँ का तर्जुमा नहीं का भी आता है, माँ का तर्जुमा इस्तेफाम क्वेश्चन के लिए आता है, क्यों पढ़ूं, क्या पढ़ूं। तो सवाल यहां पर लफ्ज मा अना बिकारी आता है, इसका एक माना है मैं नहीं पढ़ूंगा, दूसरा माना है मैं कैसे पढ़ूंगा। फिर दोबारा हजरत जिब्राइल फरमाते हैं फअखदनी फगत्तनी, हजरत जिब्राइल मुझे पकड़े और मुझे गले से लगा लिया और मुझे जोर से दबाए और छोड़ दिया। हत्ता बलग मिन्नी जुहदू, यानी कोई आपको मोहब्बत से जोर से दबाते हैं तो आपके जिस्म दर्द होता है, फरमाए इतना जोर से दबाया। थुम्मा अरसलनी, फिर मुझे छोड़ दिया। फकाल इक्रा, फरमाया पढ़िए। मैंने कहा फकुल्तु मा अना बिकारी, मैं कैसे पढ़ूं। फिर उसके बाद फअखदनी फगत्तनी सालिसा, फिर मुझे दूसरी मर्तबा फिर से मुझे पकड़ा और फिर मुझे दबाया बड़े जोर से, बड़ी मोहब्बत से। हत्ता बलग मिन्नी जुहद, फिर मुझे यानी पूरे जिस्म को यानी मशक्कत हुई इतनी जोर से दबाया। थुम्मा अरसलनी, फिर छोड़ दिया। फकाल इकरा, फिर तीसरी मर्तबा फरमाया पढ़िए। मैंने कहा मा अना बिकारी, फअखदनी फगत्तनी अस्सालिसा, फिर तीसरी मर्तबा गले मिले और मुझे जोर से दबाया, अल्लाहु अकबर। थुम्मा अरसलनी फकाल, फिर छोड़कर कहा पढ़िए। अब क्या कहते हैं, अब तक पूछने लगे इकरा पढ़िए, दूसरी मर्तबा कहा इकरा पढ़िए, फिर तीसरी मर्तबा कहा इकरा, तो अब क्या कहते हैं, इकरा नहीं कहते। आगे फरमाते हैं इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم। यहां तक हजरत जिब्राइल पढ़े। तो हुजूर जो मुंतजर थे वो यही थे कि पढ़ो तो क्यों पढ़ूं। फरमाया इकरा बिस्म रब्बिक, ऐ महबूब अपने रब के नाम से पढ़िए। तो पढ़ने लग गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तक हुक्म था, हमने आपको उम्मी बना करके भेजा है, लोगों के सामने आप उम्मी बने रहना है। हुजूर उम्मी बने रहे, हुक्म खुदा का था कि उम्मी बने रहे। अब जब पढ़ो बोला गया तो उस वक्त तक नहीं पढ़ेंगे जब तक कि वो रब जो उम्मी बनने के लिए कहा था उसी रब के नाम से ना बोला जाए। बोला गया इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ी अपने रब के नाम से। तो हुजूर पढ़ने लग गए। फरमाया फरजा बिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आयतें पढ़े, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये कोई मामूली बात नहीं, आसमानों से राबता शुरू हुआ। परवरदिगार आलम का वो कलाम जो इस दुनिया में हजारों लाखों सालों से मुंतजर था दुनिया की फलाह व बहबूद के लिए, उतरना शुरू हो जाता। लोहे महफूज में जो कलाम पाक अल्लाह का महफूज है, जिस कलाम को अल्लाह फरमाते हैं लो अंजलना हादल कुरान अला जबल लरायतहु खाशियं मुतसद्दियं मिन खशियतिल्लाह, कि अगर ये कुरान पहाड़ पे नाजिल हो जाए लरायतहु, आप देखेंगे खाशियं मुतसद्दियं मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से पहाड़ कांपने लगेगा और रेजा रेजा हो जाएगा। वही कलाम है आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अनवर पर उतर रहा है, अल्लाहु अकबर। जिसको पहाड़ ना समा सके, कल्ब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कलाम पाक को अपने अंदर ले रहे हैं।
तो लाजमी बात है कि वो कलाम पाक उतरना शुरू हुआ तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में तब्दीली आना शुरू हुई। आलम क्या हुआ, फरजा बिहा रसूलुल्लाह, हुजूर वो पहाड़ की चोटी से इस कलाम पाक की अमानत को लेकर अल्लाह की वापस लौट रहे हैं। आलम यह है यरजुफु फुआदा, हुजूर के दिल मुबारक की तेजी यानी उसकी हरकत, उसकी धड़कनें तेज हो गई। अल्लाह, पहाड़ पे नाजिल होता तो पहाड़ बुरा हो जाता, कल्ब मुस्तफा की सिर्फ धड़कनें तेज हुई। सल्लल्लाहु यरजुफु फुआदा फदखल अला खदीजा बिन्त खुवैलद, हजरत खदीजा के घर दाखिल हुए। आलम यह था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के ऊपर थर्राने लगा, थरथरी थी। सर्दी के वक्त जिस तरीके से इंसान थरथराता है, अल्लाह का कलाम, परवरदिगार आलम का कलाम कुरान मजीद लिए वापस हो रहे हैं। फदखल अला खदीजा बिन्त खुवैलद फकाल ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, और फरमाया कि ए खदीजा मेरे, मुझे ब्लैंकेट उड़ा दो, कम्बल उड़ा दो। ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, फ़ज़म्मलूहु, तो फौरन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपकी कमली को उड़ा दिया गया, गरम ब्लैंकेट उड़ा दी गई। हत्ता ज़हब अन्हु रौअ, कुछ देर के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पहली कैफियत पे आए, यानी वो कैफियत ख़त्म हो गई। फ़क़ाल ली खदीजा, हजरत खदीजा को फरमाया, और तमाम तफसीलात बयान फरमाई। देखो खदीजा, वो जो सिलसिला चल रहा था अब तक, जो तुम्हारे चचेरे भाई के पास हम जाकर के जिक्र किया था, अब मामला ये पेश आया है कि अब ये पूरी आयत नाजिल हुई और मुझे बशारत दी गई कि अब रिसालत का काम करना है। और फिर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर हज़रत खदीजा के सामने फरमाया, खदीजा बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, लक़द खशीतु अला नफ़सी, इसमें मुझे अपने आप पे डर हो रहा है। यहाँ पर इसका तर्जुमा आम तौर पे लोग ये करते हैं कि मुझे हलाकत का डर है। हुजूर को कोई हलाकत का डर नहीं था। हलाक कौन होता है इस दुनिया में? कोई मोमिन है हलाक नहीं होता तो हुजूर तो कहाँ हलाक होते। इस दुनिया में हुजूर के नाम पे मरने वाला हलाक नहीं होता, हुजूर के नाम पे ईमान लाने वाला हलाक नहीं होता। तो हुजूर की बात कहाँ से, हलाक वो होता है जो काफिर है, जो मुशरिक है। मोमिन तो यहाँ से वहाँ मुंतकिल होता है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने आप पे डरता हूँ का मतलब क्या है? एक तरफ हुजूर को पूरी कौम सामने थी, कुफार और मुशरिकीन सामने थे, उनके इनाद और उनकी दुश्मनी सामने थी। हुजूर इस बात पे, हुजूर ये बात का खौफ खा रहे थे कि अब मेरी कौम ये बात मानेगी या नहीं मानेगी, क्योंकि अल्लाह का हुक्म आ गया। दो बातों में से एक बात है, पिछली उम्मतों में जहां कहीं ये बात गई, दो में से एक रास्ता है, या तो मानो या फिर उन पे अजाब आ जाएगा। अल्लाह, हुजूर डरते ये थे कि मेरी उम्मत को जब मैं बात पहुंचाऊंगा तो मानेगी या नहीं मानेगी तो खुदा के अजाब का मुस्तहक हो जाए, तो ये बात का खौफ था कि उम्मत का। तो उस वक्त हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा क्या फरमाती है, देखे, फरमाया फकालत कल्ला, हरगिज नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपकी उम्मत आपकी कौम आपको रिजेक्ट नहीं करेगी, नहीं मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता, आपकी शख्सियत कैसी है? फरमाया वल्लाहि ला युख्जीक अल्लाह अबदा, वल्लाहि मा युख्जीक अल्लाह अबदा, ऐ मेरे महबूब, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा, किसी के सामने आपको रुस्वा नहीं करेगा। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहीम, क्योंकि आपका मामला यह है, आप रिश्तेदारियों को जोड़ने वाले हैं। वतहमिलुल कल, मुसीबत जदे की मुसीबतें उठाने वाले हैं। वतकसिबुल मादूम, और जरूरतमंद जिसके पास कोई कमाई नहीं होती उसको कमा के देने वाले हैं। वतकरिद्दईफ, मेहमान की मेहमान नवाजी करने वाले हैं। वतुईनु अला नवाइबिल हक, और हक के रास्ते में, सच्चाई के रास्ते में जिस किसी को तकलीफें होती हैं आप उसकी मदद करने वाले। खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर की जो सिफात बयान की है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिकल लाइफ थी, और क़यामत तक इंसानों के लिए यह मंजर पेश किया कि जब कभी तुम्हें कोई बहुत बड़ी बात का दावा करना है तो अपनी पर्सनैलिटी को पहले मनवाओ,
ये तरीका हुजूर की ये पूरी सीरत हजरत खदीजा ने बयान फरमा दी। एक ऐसे वक्त जब बहुत बड़ी मुहिम लेके घर आए तो ऐसे वक्त में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीनी तौर पर किसी की तसल्ली की जरूरत थी। बशरी तकाजा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हौसला अफजाई करे, हुजूर को तसल्ली दे। हजरत खदीजा ने सच्चाई पर मबनी हुजूर के सिफात को बयान फरमाया। यहां हम तमाम बैठे हुए, हम अपने आप का जायजा ले। नबवी मिशन शुरू हो रहा है। इस मिशन के सबसे पहले जो सिफात बयान किए गए हैं वो ये है, इन्नकल तसिलुर रहीम, आप रिश्तेदारों को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। रिश्तेदारों को जोड़ना हुजूर के नबूवत की अलामतों, उसके सपोर्ट में से एक बयान फरमाया हजरत खदीजा ने। अरे मुझे नबूवत की बात करना है, फरमाया आपकी आवाज बहुत बुलंद है, आप बोल सकते हैं, नहीं फरमाया। आपके जिस्मे मुबारक बहुत मजबूत है, आप बोल सकते हैं, नहीं फरमाया। आपके चेहरे मुबारक बड़ा खूबसूरत है, आप बोल सकते हैं, नहीं फरमाया। फरमाया कि आपकी क्वालिटी है कि आप रिश्तेदारों को जोड़ के रखते हैं। आप जब जोड़ के रखते हैं तो लोग आपकी बात सुनेंगे, उन पे जिम्मेदारी। दूसरी बात क्या फरमाया, फरमाया वह तहमिलुल कल, मुसीबत ज़दा। तहमिलुल कल, कल कहते हैं बार, किसी के ऊपर बार है, कर्ज का बार है, मुसीबतों का बार है, बड़ी चीजों का, तो आप जाकर के उनके बार को अपने पे उठा लेते हैं। अल्लाह अकबर। वह तकसीबुल मादूम, कोई नई कमाने वाले के लिए उसको कमा के देते हैं। वह तकरीर दईफ, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर थे जिस वक्त हुजूर अभी नबूवत का ऐलान करने वाले थे। बहरहाल अजीजान गिरामी, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती है। अब ये पहली वही थी। ऐसे मौके पर एक और बात आपके सामने मैं इजाफा करना चाहता हूँ आपके मालूमात में, चूंकि वही के मुतालिक, ये वही पूरे इस्लाम को, कुरान को और पूरे दीन को अल्लाह से कनेक्ट करने वाली चीज़ है। जमीन से आसमान कनेक्ट होता है वही के जरिए। बोलते किसे है वही? वही का माना अब आप समझ लें कि सबसे पहले वही बोलते किसे हैं, तो वही कहते हैं किसी चीज का इशारा करना, या दूसरा माना है लिखना, कोई पैगाम पहुंचाना, या फिर खामोशी और राज में ऐसे अंदाज में किसी से बात करना कि दूसरों को उसका इल्म ना हो क्या बात हो रही है। ये वही, इसके माना आते हैं। वही के चंद अकसाम हैं। मशहूर तौर पर वही के पांच अकसाम हैं। जो बात मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, मुसलमानों का हर फर्द ये बतला सकता है कि हुजूर पर किस किस अंदाज से अल्लाह बात फरमाते थे, तरीका क्या था। पांच बुनियादी तरीके हैं, याद रखें वही के। सबसे पहली बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अर्रुया अस्सालिहा, सच्चे ख्वाब। अल्लाह ख्वाब के जरिए इत्तला फरमाता है, ये कनेक्टिविटी अल्लाह की है। हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल को ज़ुबह करने का जो ख्वाब देखा था, बेटे को ज़ुबह करने का, वहीं पर ऐलान फरमा दिया था। नबी को कोई शैतानी ख्वाब नहीं आता, जो ख्वाब आता वो अल्लाह की तरफ से होता। तो सच्चे ख्वाबों के जरिए अल्लाह अपने नबी से बात करता है। हम अवामुन नास के ख्वाब अल्लाह की तरफ से होना जरूरी नहीं है, लेकिन नबी के ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते। हमें मुख्तलिफ वजूहात से ख्वाब आते हैं। तो पहली बात क्या फरमाया, रुया सालिहा। वही का पहला तरीका जो था रुया सालिहा, नंबर वन। नंबर दो, अल इल्का फिर रौ व नफस फीही। होता क्या है कि जिब्राईल अमीन अलैहि सलातु वस्सलाम आकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कोई चीज फूंक देते हैं, अल नफस, फूंक देते हैं। अल्लाह की बात होती है, ला करके फूंक देते हैं। हुजूर ने इसको खुद फरमाया, इन्ना रूहल, एक बाज़ाब्ता एक हदीस है उसके बारे में फरमाया हुजूर, क्या, इन्ना रूहल कुदुस नफथा फी रौई, रूह कुदुस हजरत जिब्राईल आए थे और मेरे अंदर ये बात फूंक कर गए, क्या, अन्ना नफसन लम तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा व अजलहा। क्या फरमाए थे हजरत जिब्राईल, कि इंसान उस वक्त तक नहीं मरता जब तक कि उसका रिस्क इस जमीन पर खत्म नहीं हो जाता और उसकी मौत का वक्त नहीं आ जाता। दूसरे क्या फरमाया, फत्तकुल्लाह, लोगो अल्लाह से डरो, वो अजमिलू अब तलब, तुम्हारे रिस्क को बेहतरीन अंदाज से तलब करो।
तो ऐसे ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फिर हजरत जिब्राइल ये फरमाया थे, ला यहमिलन्नकुम इस्तिबता अर-रिज़्क अला अन तत्लुबूहु बिमासियतिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। फरमाया लोगों अपने आप के रिस्क को दूर मत कर लो, रिस्क हासिल करने के लिए गुनाह का रास्ता इख्तियार मत करो। तुम रिस्क हासिल करने गुनाह और हराम का रास्ता इख्तियार करोगे तो रिस्क तुमसे और दूर हो जाएगा। فَإِنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ لَا يُنَالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ, अल्लाह जो तुम्हारी किस्मत में जो लिख दिया है वो गुनाह के जरिए हासिल नहीं कर सकते, वो अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी के जरिए हासिल की जा सकती है। ये हदीस है, मिसाल दे के फरमाया कि ये हदीस अल्लाह रब, ये बातें जो अल्लाह की हैं हजरत जिब्राइल ने इस तरह वही फरमाई हुजूर के अंदर। दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका, अय्यातियहुल मलकु फी सूरति रजुलिन, फरिश्ता एक इंसानी शक्ल लेकर के आ जाता है, फरिश्ता एक इंसानी शक्ल में आता है, किसी लोगों में से, जाने पहचाने लोगों में से किसी एक की शक्ल लेकर के आ जाता है और फिर बैठ करके गुफ्तगू करते हैं और जो बात है पहुंचा के जाते हैं। और ये सबसे आसान वही होती है, फरमाया कि किसी इंसानी शक्ल में आ जाना ये सबसे आसान वही होती है। और इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वअहयानन यतमत्थलु ली रजुलन फयकल्लमुनी फअअ मा यकूल, बाज़ मर्तबा किसी इंसानी शक्ल में आकर बैठकर मुझसे बातचीत कर लेते हैं तो मेरे लिए बड़ा आसान होता है कि मैं उनकी बात ये याद रख लूं और उसको बात तुम लोगों तक पहुंचा दो। बहरहाल ये तीसरा तरीका हुआ। ये चौथा तरीका था, पहले मैं बोल दिया, तीसरा और एक तरीका, अय्यातिया फी मिस्लि सलसलतिल जरस, ये बुरी बुखारी शरीफ की पहली हदीस है। इसमें फरमाया कि जैसी हमारी घंटी होती है, कोई बेल होती है, सलसलतुल जरस, जरस कहते हैं बेल को, अगर आप बेल जब हिलाते, उस जमाने में बेल ऐसी नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक बेल तो नहीं थी, लेकिन जो हाथ में लेकर उसे हरकत दे तो उसकी आवाज आती है, ऐसी आवाज, मसलन कैसे एक बारीक सी एक आवाज मुसलसिल मुसलसिल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आती, तो मिसल सलसलतिल जरस, इस तरीके से वही आती। वहुवा अशद्दुहु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सबसे ज्यादा सख्त होती है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। क्यों? कि वो आवाज को महसूस करना और उसको जो बोला जा रहा है उसको लेना और महफूज करना, ये बहुत मेहनत तलब और बड़ी मुश्किल तरीन आती है। हुजूर खुद फरमाते हैं, वहुवा अशद्दुहु अलैया فَيَنْفَصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعِيتُ عَنْهُ مَا قَالَ, तो वही जब आती थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो उस वक्त हुजूर की कैफियत बदल जाती। सहाबा फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, मामूली बात नहीं, 23 साल तक मुसलसिल हजारों मरतबा जिब्राइल अमीन जमीन की तरफ आए और एक एक आयत देकर गए। और एक आयत जब नाजिल होती ना तो हुजूर, सहाबा फरमाते हैं कि अगर हुजूर ऊंट पे बैठे होते और वही आना शुरू हो जाती तो ऊंट ताब नहीं लाते उस वजन और उस बार का, ऊंटों के पांव चीरे जाते। अल्लाह अकबर। एक सहाबी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मेरे बाजू बैठे हुए थे और इत्तेफाक से मेरे पांव पे हुजूर अपना पांव रखे हुए थे, वही आना शुरू हो गए। और जब वही आना शुरू हुई तो इतना दबाव उसका था गोया मेरे पांव की हड्डी टूटने वाली थी, इस तरीके का दर्द था। और उम्मुल मोमिनीन सईद आयशा फरमाती हैं कि बड़ी जबरदस्त जाड़े और सर्दी के मौसम में भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही आती तो वही की कैफियत खत्म होती तो हुजूर पूरे पसीने से शराबोर हो जाते। अल्लाह, बहुत बार और बहुत वजन और बहुत अजीब कैफियत वही की होती। पांचवा तरीका, चार तरीके हो गए, पांचवा तरीका फरमाया, अय्युखातिबहु रब्बु अज्जा वजल किफाहन मिन वराई हिजाब, अल्लाह रब्बुल इज्जत हिजाब के पीछे से बात करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद इरशाद फरमाया सूरतुल शूरा में, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ
अल्लाह किसी इंसान से बात नहीं करता, इल्ला मिन वराई हिजाब, पर्दे के पीछे से बात करते हैं। औ युरसिल रसूला, या किसी फरिश्ते को भेज कर बात करते हैं। फयूहिया बिइज़्निही मा यशा, तो वही का एक तरीका क्या है, पर्दे के पीछे से बात करना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ पे तशरीफ ले गए, बाज़ उलमा की राय के मुताबिक सिदरतुल मुंतहा के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर्दे के पीछे से हुजूर से बात फरमाई थी। तो पर्दे के पीछे से बात करना ये भी वही है, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे इसी किस्म की वही आती थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नज़र तो नहीं आते, और पर्दे के पीछे से हजरत जिब्राइल हजरत मूसा से बात होती, कुहे तूर पे जाते आवाज आती सुन लेते, ये भी वही का एक तरीका। ये पांच मशहूर तरीके हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए छठा स्पेशल तरीका जो था वो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम या किसी के जरिए को हटाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेराज में हुजूर को बुलाया और वहां पर दू बदू आमने सामने परवरदिगार आलम से हुजूर की बात हुई, और यह भी वही का एक जगह है और यह सिर्फ हुजूर के लिए खास था। तो बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, ये वही के तरीके हुए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तशरीफ ला लिए, और वही के अकसाम बीच में मैंने आपके सामने जिक्र किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब इस कैफियत के बाद हज़रत खदीजा ने फिर फौरन हुजूर की जब तबीयत संभली तो फौरन लेकर हज़रत वरका बिन नौफल, जो बड़ी उम्र के हो चुके थे तकरीबन 80 साल से ऊँचे, वहाँ उनके पास ले गए। हज़रत वरका बिन नौफल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही अगर मैं कहूँ तो कोई बईद नहीं, इसलिए कि उन्होंने इस हदीस में जो अपने दिल के जज्बात का इजहार किया वो काबिल दीद है। उन्होंने फरमाया, पूछा कि बताओ मेरे भतीजे क्या हुआ, क्योंकि पूरा तसलसल सुन रहे थे, ये तफसीलात बताए। तो वो बड़े खुश हुए और कहा कि काश ऐसे वक्त मैं जवान होता। पूछा कि क्यों, कहा कि अब तुम्हारी कौम तुमसे दुश्मनी करने वाली है, तुम्हारी कौम तुम्हें मारने वाली है, तुम्हारी कौम तुमसे जिहाद करने वाली है, तुम्हारी कौम तुम्हें अपने शहर से निकालने वाली। चार बातें उन्होंने फरमाई। हुजूर ने पूछा, चारों बातों में से एक बात हुजूर को बड़ी यानी दिल को लगी, पूछा कि क्या मेरी कौम मक्के से मुझे निकाल देगी। फरमाया हाँ, नबुवत के लवाजिमात में से जब किसी नबी को नबुवत के बताया गया, नबुवत दी गई, उनकी कौम ने उन्हें अपने वतन से निकाल दिया, ये तो होने वाला है। अगर मैं उस वक्त जिंदा हूं तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन चंद ही रोज में हजरत वरका बिन नौफल का इंतकाल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह पहली वही नाजिल होने के बाद एक बड़ा वक्फा आया, इसको अय्याम फतरत भी कहते, एक वक्फा आया। अब आप सोचे, मोहब्बत हो गई, उस रोशनी को देखने की मोहब्बत हुई, आवाज सुनने की एक लगाव हुआ, फिर अब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अब वही अल्लाह से, अल्लाहु अकबर, अल्लाह से बातचीत शुरू हो गई, इकरा बिस्मि रब्बिकल। और जब वो वक्त था ना, जब वही रुक गई कुछ देर, आप अंदाजा कीजिए, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत गिरा गुजरा, इतना गिरा गुजरा, इतना गिरा गुजरा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस दौरान मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मेरा दिल ये चाहता कि मक्के की बड़ी बड़ी पहाड़ों की चोटियों पे जाऊं और वहां से अपने आप को गिरा दूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्यों, परवरदिगार आलम के पास से वही आना रुक गई, क्या मोहब्बत है, क्या लज्जत होती थी। और मैं चला भी जाता पहाड़ों के ऊपर तो ऐसे वक्त में फौरन जिब्राइल मेरे सामने नमूदार हो जाते। एक मरतबा जिब्राइल आए मेरे सामने, रफ रफ पर बैठे हुए बड़ी सवारी पर, और मैं जब उनको देखा तो क्या है कि उनके पर इतने फैले हुए हैं, मशरिक से मगरिब पूरे उनके परों के अंदर घिरे हुए हैं, इतना खूबसूरत मंजर था। मैंने देखा, मेरे दिल को इत्मीनान हुआ, मैं फिर वापस आ गया। फिर एक मरतबा ऐसे ही तबीयत बेचैन की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं अजियात के मकाम पर था। अजियात दो है, अब आप बाब अब्दुल अजीज से, बाब अजियात से जब निकलते हैं तो एक सीधा जाता है अजियात और एक लेफ्ट जाता है, जो आज मेरिडियन होटल लेफ्ट साइड पे है वो अजियात, अजियात सद है। हुजूर फरमाते हैं मैं उस मकाम पर था
तबीयत ऐसे ही थी, बेचैन था। ऐसे ही जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊपर आए और आवाज दी। मैंने जब सर उठा के देखा तो एक बहुत बड़ी कुर्सी पे जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए। मुझे इत्मीनान होने लगा। जब जब जिब्राइल को देखता तो हाँ अभी राबते बरकरार है, यानी जिस किस्म के खदशात थे राबता रुक गया, तो वो जिब्राइल बार बार आकर के मुझे तसल्ली देते। बहरहाल अज़ीज़ाने गिरामी, यहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी इस बात का हुक्म नहीं हुआ था कि दावत का काम आगे बढ़ाओ, क्योंकि अभी वही आना शुरू हुई और उस कैफियत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर अच्छे तौर पर उसको महसूस करके उसको ऑब्जर्व करना था। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इब्तदाई दिनों के अंदर चूंकि घर में थे, सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर वाली ही हैं और वो पहले से लोगों से सुन चुके थे, मुंतजर थी और वो दिल ही दिल में हुजूर को बोलने से पहले ही वो मान चुकी थी कि आप जो चीज़ ले आ रहे हैं मैं कबूल करने वाली। और दूसरी शख्सियत जो घर में थी हजरत अली ये मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हों की थी। हजरत अली हुजूर के घर में क्यों थे ये वाकया भी सुन ले, सीरत से ताल्लुक रखने वाला। उस जमाने में मक्के के अंदर कहत सालियां थी, कहत होता था और बड़ा तवील कहत आ गया। हजरत अबू तालिब की औलाद ज्यादा थी, हुजूर को बड़ा प्यार हजरत अबू तालिब से था, बड़ी मोहब्बत थी। हुजूर ने देखा कि मेरे चचा जान पहले ही मफलूकुल हाल, मफलूकुल हाल कहते हैं कि कम पैसे वाले थे, औलाद ज्यादा है, अब खिलाने पिलाने का मसला होगा। तो हुजूर के चचाओं में हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत पैसे वाले थे, उनके पास जाके मशवरा किए कि चचा जान मेरे दूसरे चचा अबू तालिब परेशान हाल रहते हैं, मैं उनके घर रहकर उनके घर के हालात देखा हूं। अब जबकि मैं खदीजा के पास आ गया और उनके घर के हालात अभी दुरुस्त नहीं है, मैं चाहता हूं कि उनका थोड़ा बार कम करें। हज़रत अब्बास ने पूछा कि क्या तुम्हारा मशवरा है, क्या करें? फरमाया कि उनके बच्चों में से एक बच्चा आप ले लें और एक बच्चा मैं ले लेता हूं। हजरत अबू तालिब को चार बच्चे थे, यानी बेटों में चार थे। एक का नाम तालिब था जिसके नाम के साथ उनका नाम अबू तालिब था, दूसरा नाम अकील था, तीसरे जाफर और चौथे अली। हजरत अली सबसे छोटे थे, हुजूर ने फरमाया अली सबसे छोटे हैं, मैं ले लेता हूं। हुजूर हजरत अली से 10 साल बड़े हजरत जाफर थे, फरमाया कि आप जाफर को ले लें। हजरत अबू तालिब से जब बात कही जाके बताए तो हजरत अबू तालिब बहुत खुश हुए। हजरत अकील और तालिब ये दोनों के दोनों हजरत अबू तालिब के पास रहे, दोनों को ला ली। और बाद में इन चारों में से तीन की किस्मत में ईमान आया। हजरत जाफर ईमान लाए, हजरत अली तो साबिकुल अव्वलून में थे इसी तरीके से, हजरत अकील ये तीन ईमान लाए, लेकिन जो फर्जन अबू तालिब के जिनका नाम तालिब था वो ईमान ना ला सके, ये तीन के तीन ईमान लाए। हजरत अली इस लिहाज से कि चूंकि हुजूर वहां रहे थे, हजरत अली को पहले ही अपने घर ला लिए थे, हजरत अली हुजूर के पास थे, तो घर में हजरत खदीजा थे, इन हालात से वाकिफ हैं। और यही वही के नाजिल होने की कैफियत जैसा घर के अंदर हजरत खदीजा ने देखी है, सैयदना अली इसके अंदर इनका कोई शरीक नहीं कि ये कैफियत मर्दाने में हजरत अली ने देखा, बावजूद ये कि उम्र शरीफ 9 साल के थे, हजरत अली थे छोटे से थे। और फिर घर के अंदर और एक साहब जो थे वो हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा थे। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा इनका वाकया भी मैं आपके सामने बताते चलूं, ये इसलिए कि इस्लामी तहरीक और इस्लाम की इब्तिदा का एक एक ईंट कीमती है, एक एक शख्स कीमती है। आज हजारों लाखों मुसलमान हो रहे हैं, होते जाएंगे, लेकिन इब्तिदा में जो एक एक ईंट जम रही है बड़ी अहम है। और परवरदिगार आलम लोग कहते हैं कि इस्लाम में सिर्फ नबूवत मर्दों को मिली है, नबूवत मिलना जो एजाज है, नबूवत को एक्सेप्ट करना भी एक एजाज है। नबूवत जरूर मर्दों को मिली है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द है, नबूवत मिली, लेकिन नबूवत को जो एक्सेप्ट सबसे पहले किए वो हजरत खदीजतुल कुबरा थे रज़ी अल्लाहु ताला। मामूली बात नहीं कि सबसे पहले उन्होंने नूरे नबूवत को देखा और दिल से माना, हजरत अली थे। फिर घर के अंदर हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ी अल्लाहु ताला। ये हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा कौन है?
असल में अरब का मुआशरा था कि वहां पर जब कभी लोग सफर पे निकलते तो रास्ते में डाकू होते, वो यानी पूरे पूरे काफिले को लूट लेते। लूटने के बाद सामान तो चुराते ही चुराते इंसानों को भी कैदी बना लेते। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा अपनी वालदा के साथ ननियाल जा रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने डाका डालकर पूरे कबीले को, पूरे काफिले को लूट लिया। हजरत ज़ैद बड़े मासूम, बहुत छोटे थे, 8 साल की उम्र थी उस वक्त उनकी, तो उसी हालत में उनको भी कैद कर लिया गया, माँ को बेटे से बिछड़ा दिया गया और लाकर मक्के के बाजार में सूखे उक्काज में उन्हें बेच दिया गया। तो वहां पर एक शख्स मक्के के हकीम बिन हिजाम, उनका नाम था, हजरत खदीजा के भतीजे होते थे, उन्होंने वहां से गुलामों को खरीदते खरीदते इस बच्चे को भी खरीद लिया और दीगर बच्चों को खरीदा। और लोगों का मिजाज था, जब कभी अपने रिश्तेदार के पास आते हैं, जैसे आप फ्रूट खरीद कर देते हैं वैसे ही वो लोग गुलाम खरीद कर देते थे। ला करके कहा कि फूफी जान आपको इसमें से जो बच्चा पसंद है ले ले, वो खरीद लिए। अब जो उनको लाए घर में रखने लगे तो उनकी खूबसूरती, उनकी सलाहियत देखकर हुजूर ने फरमाया कि खदीजा ये तुम क्यों रखते हो, इसे मुझे दे दो। तो हजरत खदीजा के पास हजरत ज़ैद इब्न हारिसा को हुजूर ने हजरत खदीजा से ले लिया। अब ये 8-9 साल के हुजूर के साथ रहते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत उतनी उम्र में मिलना, हुजूर के जैसे अखलाक, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह शफक्कत, अब ये हुजूर के पास रहने लगे हजरत ज़ैद इब्न हारिसा। अच्छा वक्त रहे, कई महीने गुजर गए, हुजूर के गुलाम की तरह मशहूर रहे। चंद रोज के बाद इनके खानदान के ददियाली रिश्तेदार मक्के को काबतुल्लाह की जियारत के लिए आए तो हजरत ज़ैद को काबे के मैदान यानी सहन में खेलता हुआ देखे, देखकर वो हैरान हो गए, पूछा कि यहां कैसे। तो लोगों ने कहा यह मोहम्मद का गुलाम है। पूछा कि मोहम्मद कौन है, फरमाया कि यह बड़ा नेक शख्स है, यानी अभी नबूवत के ऐलान से पहले बड़े नेक शख्स है, इनसे कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंची। उन्होंने पूरा बैकग्राउंड मालूम किया, फौरन जाकर वहां उनके वालिद और चचा को कहा कि देखो माँ कैसे तड़प रही थी अपने बच्चे से बिछड़ करके, बाप कैसे बेकरार था, किसी की मौत सामने हो जाए तो रिश्तेदार तदफीन करके मुतमईन हो जाते हैं लेकिन जब आंखों से गुम जाते हैं तो बेचैनी करार को नहीं पाती। तो वहां से उनके वालिद और चचा पैसों का अंबार लेकर के आए। आमतौर पर होता यही था कि जब किसी की गुलामी से छुड़ाना होता तो मुंह बोली रकम देना पड़ता। जब वहां पर आए मक्के को तो लोगों से पूछ पाछ कर हुजूर के पास आए, आकर बड़ी नरम गुफ्तगू करने लगे कि ए मोहम्मद, हमने सुना है आपके बारे में कि आप बड़े नरम खूबी है, नरम तबीयत है, आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते, लोगों की तकलीफ में मदद करते हैं और फिर गुलामों को आजाद करते। हुजूर ने फरमाया कि बात क्या है, बोलना क्या चाहते हो। कहा कि हम आपसे हमारे बच्चे को छुड़ाने और आजाद कराने आए हैं, उसके सिले में आप जितनी मुंह मांगी रकम चाहते हैं हम जमा करके लाए। हुजूर ने फरमाया किस बच्चे और किस गुलाम की बात कर रहे हो। ने कहा कि मैं ज़ैद की बात कर रहा हूं। फरमाया बुलाओ, एक शर्त है कि उसको बुलाना और उसकी मर्जी पे छोड़ देना, इधर तुम भी है इधर मैं भी हूं, वो अगर तुमको पसंद करे तुम्हारे साथ जाना चाहे तो मैं 1 रुपया नहीं लूंगा तुम्हारे साथ भेज दूंगा, लेकिन अगर वो मेरे साथ रहना चाहे तो तुम जबरदस्ती ना करना। हुजूर बैठे हुए, हजरत ज़ैद को बुलाया गया, हजरत ज़ैद इब्न हारिसा आए और हुजूर के बगल में आकर के बैठ गए। हुजूर ने पूछा कि ये दो लोग सामने बैठे हुए हैं, पहचानते हो, अंदाजा कीजिए, बाप और माँ ही नहीं बिछड़े थे, बच्चा भी माँ बाप से बिछड़ा हुआ था, कई महीने गुजर गए, बच्चे को भी तड़प होनी चाहिए अपने बाप और चाचा को देखकर। हुजूर के बाजू आकर बैठ गए। हुजूर ने पूछा ये सामने काब और हारिसा, काब उनके चाचा थे, इनको पहचानते हो। फरमाया हाँ या रसूलल्लाह पहचानता हूं, ये मेरे अब्बू जान हैं, ये मेरे चाचा जान हैं। फिर बैठे कहां हैं, हुजूर को लग करके बैठे हुए। हुजूर ने फरमाया कि अब बुला लो अपने बच्चे को, और फरमाया कि इख्तियार है बेटे, अगर आप जाना चाहते हैं तो उनके साथ जा सकते हो, या नहीं जाना सकते चाहते हो तो मेरे साथ रह सकते हो। अंदाजा कीजिए, हजरत ज़ैद 10 साल की उम्र है, 9 साल से 10 साल की उम्र है, और यहां उनको इख्तियार दिया गया है, एक तरफ गुलामी है, एक तरफ माँ बाप से बिछड़ना है, एक तरफ खानदान से दूरी है, एक तरफ दूर का माहौल है,
अजनबियत है, गैरियत है, गुलामी है, और दूसरी तरफ बाप है, चचा है, माँ का प्यार है, खानदान है, कबीला है। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा हुजूर के हाथ पे हाथ डाल के पकड़ लेते हैं और फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, चचा और दादा, चचा और अब्बा के साथ नहीं जाना चाहता। अल्लाहु अकबर। यकीन करिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत ज़ैद की ये अदा इतनी पसंद आई, रिवायत करने वाले फरमाते हैं हुजूर हजरत ज़ैद को 10 साल की उम्र में है गोद में ले लिया और अपने बगल में छुपा लिया और उनके साथ दौड़ते हुए अपने घर से हरम काबा में ले गए, काबतुल्लाह से हजरत ज़ैद की पीठ लगाए और ऐलान करते हैं, लोगों सुनो, ज़ैद आज से मेरा गुलाम नहीं, आज से मेरा बेटा है, मैं उसे आजाद कर दिया हूं, आज से इसका नाम ज़ैद इब्ने हारिसा नहीं, ज़ैद इब्ने मोहम्मद इसका नाम होगा। अल्लाहू अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे भी यही ताल्लुक चाहते हो, लोगों सुनो, एक तरफ तुम्हारे घरदार होंगे, तुम्हारी आल औलाद होगी, तुम्हारे माँ बाप होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, और एक तरफ मैं होगा। अगर तुम मुझसे वो रिश्ता चाहते हो जो ज़ैद को मैंने दिया, तो फिर तुम्हें देना भी वैसी कुर्बानी होगा, इजहार भी वैसी मोहब्बत करना होगा। ज़ैद ने अपने खानदान की कुर्बानी देकर मेरा हुआ, तो मैंने दुनिया के सामने ऐलान किया कि ज़ैद मेरा है। तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारा ऐलान ऐसे ही करूं, तो तुम्हें भी अपनी दुनिया की कुर्बानियों को देकर मेरे हो जाना पड़ेगा। ये ज़ैद इब्न हारिसा हुजूर के साथ थे, घर के अंदर थे, वो यही वही के इब्तिदाई लम्हात और नूरानी कैफियात को मुलाहिजा फरमाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदाई दिनों में घर ही में नमाज अदा फरमाते। एक मरतबा हजरत खदीजा और हुजूर दोनों ही नमाज फरमा रहे हैं, अचानक हजरत अली ने देखा कि ये नया काम क्या हो रहा है। नमाज खत्म हुई तो पूछा कि ये क्या है, तो हुजूर ने फरमाया कि जिस दीन का मुझे हुक्म हुआ है उसमें इबादत का तरीका यही है, मैं और खदीजा वो इबादत करते हैं। हजरत अली ने फरमाया कि मुझे भी इजाज़त है। हुजूर ने फरमाया इजाज़त है, लेकिन वो तुम्हारे पहले दीन को जो उसको छोड़कर, अगरचे हजरत अली की कोई ऐसा सबूत नहीं है कि वो पहले से कोई बुत परस्ती किए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हें ये दीन कबूल करना पड़ेगा। ये घर के अंदर बात हो रही है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि आप थोड़ी इजाजत दे दें, मैं ऐसा तेज भागा अब्बू से इजाजत लेके आ जाता हूं, अबू तालिब से। हुजूर ने फरमाया नहीं, अगर ऐसी बात है अब्बू से पूछ रहा है तो नहीं, खामोश रहो, अभी हमें हुक्म नहीं है बाया बात पहुंचाने। हजरत अली खामोश हो गए। एक दिन ऐसे ही गुजरा, दूसरे दिन आए कि नहीं, अब मुझे तबीयत ठहरी नहीं जाती, अब्बू से पूछना जरूरी नहीं है, मैं अब्बू से बगैर पूछे आप पर ईमान ला लेता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि। हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु अब हुजूर अपने घर से निकलकर कहीं दूर कहीं जंगल में जाकर कहीं किधर पहाड़ों के कोने में जाकर नमाज पढ़ते। हजरत अबू तालिब फरमाते हैं कि एक मरतबा एक पहाड़ के कोने में नमाज हो रही है, ऐसे ही ये इबादत और नमाज तो हम आप बोल रहे हैं, देखा कि मोहम्मद पढ़ा रहे हैं, पीछे खातून और बाजू बच्चा नमाज पढ़ रहा है, मैं ठहर कर देखा तो क्या अली है, नमाज ख़त्म होने तक देखा और उसके बाद पूछा नमाज ख़त्म होने के ये क्या है, तो हुजूर ने फरमाया कि चचा जान, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी बनाया है, रसूल बनाया है, और हुक्म है ये इबादत है, और हम लोग ये पूरे बुत परस्ती को नाजायज़ समझते हैं और इस काम को हम दुनिया भर में आम करना चाहते हैं। हजरत अबू तालिब ने फरमाया कि, और हुजूर ने ऑफ़र भी किया कि अबू तालिब आप चचा जान आप कबूल कर ले, फरमाया कि अभी तो वक्त नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इस बात का वादा करता हूँ कि तुम अपने काम पर मजबूती से कायम रहो, मैं जब तक मेरी जान में जान है तुम्हें किसी चीज़ की आँच आने नहीं दूंगा, मुझे मालूम है तुम्हारी इस दावत से पूरे लोग तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। हजरत अली को फरमाया कि अली मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि तुम हमेशा मोहम्मद के साथ जुड़े रहना, कभी अपने आप को उनसे दूर नहीं करना, हर मामले में उनका साथ देना। अल्लाह अकबर। अजीज़ान गिरामी, ये तो घर के लोग थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महल्ले ही में हुजूर के हम उम्र 2-2.5 साल के फर्क से एक मुबारक जात रहती थी जिन्हें कहते हैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी
हुजूर को उस वक्त से देख रहे थे जब मुल्क शाम का सफर हुआ तो हजरत अबू बकर भी साथ थे, कहाफा के बेटे अबू कहाफा के बेटे अबू बकर भी साथ थे, और पूरी अपनी जिंदगी उन्होंने बड़ी साफ शफाफ गुजारी। इस्लाम से पहले भी न शराब पिए, ना बुतपरस्ती किए, ना किसी को धोखा दिया, लेकिन बड़े बिजनेसमैन और बड़े अमीर आदमी थे। वो इंतजार में थे। हुआ ये कि एक मरतबा उन्होंने ऐलान नबूवत से पहले ख्वाब भी देखा था। ख्वाब क्या देखते हैं, हजरत अबू बकर एक मरतबा आराम फरमा रहे हैं, ख्वाब क्या देखते हैं कि चांद हजरत अबू बकर के गोद में आकर बैठा हुआ है। हैरान हुए, उठे और उस जमाने के राहिबों से जाकर के पूछा, एक राहिब से, कि मामला क्या है कि मैं अपने गोद में चांद को देखता हूं। उन्हें कहा कि तुम इंतजार करना कि ये वो दौर है जो हम देख रहे हैं, वो ये दौर है आखिरी नबी के मबरूस होने का वक्त है, और ये चांद का तुम्हारे गोद में आना इसकी ताबीर ये है कि तुम वो आखिरी नबी पर सबसे पहले ईमान लाएंगे और तुम उनके खलीफा भी होंगे। हजरत अबू बकर मुंतजर थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी ऐलानिया नबूवत की दावत का अभी ऐलान नहीं हुआ, घर के लोग तो पहले ही मान लेते हैं, बाहर सबसे पहले ऐलान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जब बाहर बात करना शुरू किया तो सबसे पहली जात जो थी वो हजरत अबू बकर की थी। सबसे पहली जात, बहुत बड़ी बात करना था, बहुत बड़ा दावा बोलना ये था कि मतलब ये नहीं बोलना था कि दुनिया की छोटी चीज में लीडर बन रहा हूं मैं फला, ये बोलना था कि मैं नबी हूं और आखिरी नबी हूं, अल्लाह का रसूल हूं, ये बहुत बड़ी। अच्छा, फिर एक महल्ले में रहते हैं, मानना बड़ी बात थी। हजरत अबू बकर के बारे में हुजूर फरमाते हैं कि मा दाउतु अहदन इलल इस्लाम इल्ला कानत फीही इंदहु कबवतुन, मैंने जितनों को दावत दी है इस्लाम की वो कुछ ना कुछ देर जरूर ठहर के गौर किया, सोचा, थोड़ी देर तामुल किया। जिस किसी को मैंने दावत दी है वो सबों ने थोड़ी देर के लिए रुक कर टाइम लेकर मेरी बात को माना है। ونظر وتردد الا ما كان من ابي بكر ابن ابي قحافه ما عكم سوائے ابو بکر کے جیسے میں نے اپنی زبان سے نکالا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ایک لمحے کی دیر کرے بغیر ابو بکر نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور خود فرماتے ہیں، آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں कि मैं जिस किसी को दावत दिया वो सोचे, थोड़ा गौर किए, किसी को वालिद से इजाजत लेना था, किसी को रिश्तेदारों से पूछना था, कोई टाइम के इंतजार किए, लेकिन अबू बकर वो वाहिद साथ है, मेरी जबान से निकला तो फौरन कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए। हुजूर फरमाते हैं عینہ تک ذکرتہ لہ وما تردد فی، ایک لمحے کے لیے، اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کہتے ہیں، نہ صرف صدیق بلکہ صدیق اکبر کہتے ہیں، صدیق اکبر ان کی اوور آل لائف کو دیکھ کر کہتے ہیں، یہ کوئی ایک جملے کو دیکھ کر نہیں، یہ ایک معاملہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کوئی معاملے میں ان کو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں تھی، کوئی برہان کی ضرورت نہیں تھی، کوئی آیت کی ضرورت نہیں تھی، کسی گواہ کی ضرورت نہیں تھی، حضور فرماتے تو بس حضور کا نام لینا ہی کافی تھا، وہ ہر چیز ایسے ہی مان لیتے۔ قرآن مجید میں 24वें पारे में अल्लाह ने حضرت ابو بکر کا ایسے ہی تذکرہ فرمایا، 24वें पारे کی ابتدائی آیت ہی، فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء والذي جاء بالصدق وصدق به، الله اكبر۔ یہ حضور اور ابو بکر کا ذکر ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کیوں کہے، ان کا لقب صدیق اکبر نہیں ہے، حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچائی کو لے کر آئی ہے، کون ہے وہ ذات؟ محمد الرسول اللہ سے۔ وصدق
सदका भी, और जिसने उनकी तस्दीक की है कौन है वो? सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु। घर के बाहर, घर के अंदर तो अहलिया है, अबू हजरत अली तो फर्जंद की तरह है, हजरत यानी जैद, ये उम्र भी क्या है इनकी 10 साल है, और इस उम्र के आम तौर पर इन बच्चों की ये उम्र के कोई बड़ा एतबार नहीं होता। जो सबसे पहले दावत को, दावत के एक्सेप्टेंस को जो परखना था, मक्के की जमीन पर दावत को पेश किया, तो मक्के की जमीन का पहला रिस्पॉन्स जो आया वो हजरत अबू बकर का था। इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर पूरी दुनिया का एहसान मैंने अदा कर दिया और तुम्हारा एहसान मैं कयामत के रोज अदा करूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला एक लम्हे में ईमान लाए, और आप क्या जानते हैं, लोग बात करते हैं, लोग तवाज़ुन करने निकलते हैं, लोग मुआजना करते हैं सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का। तारीख पढ़ो, उस वक्त के हालात तो पढ़ो। मैं अगर कोई बात करूं तो मेरे 3 बच्चे, मेरी अहलिया तो पहले मान लेगी, कोई कमाल नहीं है। कमाल यह है कि बाहर वाले मुझे माने, कमाल यह है कि बाहर वाले मुझे समझें और मेरी तहरीक और मेरी बात के साथ हो जाए, वो कोई नहीं। मक्के की संगलाख जमीन में ऐसे वक्त में हजरत सिद्दीक अकबर न सिर्फ ईमान लाए, और ईमान लाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक में ऐसा करंट था, जिम्मेदारी ले ली। अब इसके बाद इनका एक बिजनेस ग्रुप था, हजरत अबू बकर का बिजनेस ग्रुप में मक्के के बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन तमाम को हजरत अबू बकर ने अपने से दावत शुरू कर दी। अभी एलानिया दावत नहीं हुई, अभी हुजूर ने बाज़ाब्ता हजरत अबू बकर को जैसे मालूम हुआ, हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने से कन्विंस करके मुसलमान बना लिया। हजरत जुबैर इब्ने अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने से कन्विंस करके मुसलमान कर लिया। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये अशरे मुबशरा है पूरे, ये पूरे किसकी दावत पे मुसलमान हुए? हुजूर ने डायरेक्ट नहीं मुलाकात की, हजरत अबू बकर एक तहरीक बन के निकल गए मक्के मुकर्रमा में, न किसी के जुल्म की परवाह, न किसी के मार की परवाह, न किसी के मलामत की परवाह। अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ी बात। हुजूर तो अंदर है, हुजूर को अभी हुक्म नहीं है बाहर आने का। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास को ही मुसलमान कर लिया, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह को मुसलमान कर लिया। ये टीम बना दी हजरत अबू बकर ने फौरन से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गयाब में। बाज रिवायात में तो आता है कि हुजूर तक पहुंच के हुजूर के हाथ पे ईमान लाने से पहले हजरत अबू बकर ने हुजूर के गयाब में इनको मुसलमान बना दिया। अल्लाह अकबर, कौन हजरत अबू बकर का मुकाबला कर सकता है? अल्लाह अकबर। सैयदना, इसीलिए यहां से हजरत इमाम हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स हजरत अली के पास आया, हजरत हसन बसरी हजरत अली के खुलफा में होते हैं। फरमाया, एक शख्स आया हजरत अली के पास आके, जैसे आज बातें होती हैं, अली अफजल है या अबू बकर अफजल है। उस जमाने में किसी शख्स को ऐसे ही एक जुनून आया, वो सवाल करने लगा, अली अफजल है या अबू बकर? हजरत अली से कहा कि अली, आप हुजूर के रिश्तेदार हैं, आप सबसे पहले ईमान लाए, और आपका मामला फिर आपके रहते हुए हजरत अबू बकर के हाथ के ऊपर कैसे ये लोग यानी बैत कर लिए? तो वहां पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सुनो, 4 चीजें ऐसी हैं कि जिसके अंदर अबू बकर मेरे से पहले आगे गए हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसके अंदर सबसे पहली बात हजरत अली खुद फरमाते हैं कि इस्लाम लाने वाले में, हम तो घर में थे, इस्लाम लाने वालों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, तस्दीक करने वालों में, हुजूर की तस्दीक करने वालों में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला। हिजरत के वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गारे सौर में रहने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला। मेराज की रात जब हुजूर वापस आए और हुजूर के मेराज का वाकया सुनकर सबसे पहले तस्दीक करने वाले अबू बकर है, इनका मुकाबला हम नहीं कर सकते, इनके आगे हम नहीं जा सकते। अजीजान गिरामी, बहरहाल आज एक अफसोसनाक माहौल ये चल पड़ा है, 1450 साल बाद
हम न नमाजों के पाबंद, न रोजों के पाबंद, न जबान में सच्चाई, न आंखों में पाकीजगी, दिलों के और दिमागों के अंदर फुतूर भरा हुआ। और वो पाक जमाने, उस जमानों के तस्करे करते हुए सहाबा को एक दूसरे में भिड़ाते हुए हम बैठते हैं। खुदा के लिए अपने ईमान की हिफाजत करें, इन चीजों से दूर रहे। मेरे हाल अजीजा ने गिरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दिनों में थे कि एक मर्तबा हुजूर अपने बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं। अभी हुक्म नहीं हुआ था अलल एलान लोगों में बोलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूसरी वही नाजिल होती, हजरत जिब्राईल अमीन अलैहि सलाम हुजूर के बिस्तर पर तशरीफ लाते। कुरान मजीद की दूसरी वही नाजिल होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते। पहली वही में क्या हुआ था, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, जब पढ़े तो घर को आए तो ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ा था, कम्बल ओढ़ना पड़ा था। अब तवील वक्फा हो गया, वही नहीं आई, तो अब बहुत दिन के बाद जब आए तो मोहब्बत का एक अंदाज होता है, प्यार का एक अंदाज होता है। अब बहुत दिन के बाद अगर कोई आपके चहीते आपके घर आए, ऐसा महसूस हो कि आपके इंतजार में वो थे, तो आप बड़े लाड़ो प्यार के अंदाज में बात करते हैं। परवरदिगार का अंदाज गौर फरमाए, हुजूर को डायरेक्ट मुखातिब नहीं फरमाते, फरमाते या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कमली ओढ़े हुए महबूब, ए मेरे वो महबूब जो कमली ओढ़े हुए, वहां से करेक्ट कर दिया, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए मेरे महबूब जो कमली ओढ़ा हुआ है, कुम, अब ठहर जाइए, फअंजिर, अब लोगों को डराइए, लोगों को बात पहुंचाइए, वरब्बका फकब्बिर, आपके परवरदिगार की बड़ाई बयान कीजिए, वली रब्बी का फस्बिर, और अपने परवरदिगार के खातिर उनके जुल्म और उनके रिएक्शन पे सब्र कीजिए। अल्लाह, दूसरी वही है, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ मेरे कमली ओढ़े हुए महबूब, कुम फअंजिर, ठहरिए और डराइए, वरब्बका फकब्बिर, अपने परवरदिगार की बड़ाई बयान कीजिए। लेकिन जैसे ही बड़ाई बयान करेंगे होगा क्या, वहां से उनकी बदअखलाकियां आएंगी, वली रब्बी का फस्बिर, अपने परवरदिगार के खातिर सब्र कीजिए। हुजूर हजरत अली को फरमाया कि अली, अल्लाह का हुक्म आ गया है, अपने खानदान वालों को और जो मक्के के रुअसा है, बड़े बड़े हैं, उनको बुलाओ। अब उस वक्त दावत करने के लिए भी कोई बहुत बड़ा इंतजाम नहीं था। फरमाते हैं कि थोड़ी सी रोटियां, एक प्याला दूध अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ गोश्त था, अली को फरमाया ये रख दो, उन लोगों को बुलाओ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 45 से ज़ायद लोग थे, 45 से 48 लोग हैं। हुजूर दावत पे बुलाए, हजरती जाकर तमाम कबीले के बड़े बड़े लोगों को बुलाए, सुबह आए, थोड़ा सा खाना रखा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा सा खाना रखा हुआ है, और सब लोग हैरान हैं। हुजूर फरमाते खाओ बस हो जाएगा। खाना शुरू किए, रोटी लेते जा रहे हैं, गोश्त खाते जा रहे हैं, ख़त्म नहीं होता, पूरे 48 के करीब लोग पेट भर खाए, दूध एक प्याला था, सब पीते जा रहे हैं, ख़त्म नहीं होता है। ये देखा, सबों ने देखा, सब हैरान थे कि ये क्या माजरा है मोहम्मद। तभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात करने ही वाले हैं, अबू लहब बैठा हुआ था, चिल्लाने लगा, कहा कि ये जो काम है ना, दो आदमी और एक आदमी का खाना आप 48 लोगों को खिलाए, ये जादू है, ये सहर है। चिल्लाने लगा, ऐसा नहीं होगा, आप बुला के हमको मुतासिर नहीं कर सकेंगे। लोगों को पूरा मामला बिखेर दिया, हुजूर को कोई बात ही नहीं करने दिया, और महफिल खत्म हो गई। हुजूर ने हजरत अली को फरमाया ये क्या, इन्हें माहौल खराब कर दिया, कल फिर बुलाओ। फिर बुलाए, हुजूर ने दूसरे दिन वैसे ही दावत की, और फिर उतने ही लोग खाना खाए, फिर ये चिल्लाते हुए उड़ गया, फिर गड़बड़ किया। दरअसल आप लोग बार बार सुनते हैं, अबू लहब को हुजूर से दुश्मनी क्यों थी, वो भी चचा था, हजरत अब्बास चचा, हजरत हमजा चचा, तो ये भी चचा अबू। हुआ ये था कि जब हुजूर अबू तालिब के घर में रहते थे, उस वक्त में अबू लहब और अबू तालिब, ये दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई, बड़ी जंग हुई, लड़ाई हुई, मारम तोड़ी हुई, भाई दोनों नौजवान जवान मार ले रहे हैं एक दूसरे को। अबू लहब काबू पा लिया अबू तालिब पे, और सीने पे बैठ गया अबू तालिब के,
और मारने लगा। हुजूर उस वक्त बहुत कम उम्र 19-20 साल की उम्र थी। कुछ देर तक दोनों चचाओं की लड़ाई समझकर खामोश बैठे, लेकिन जब अबू लहब गालिब हो गया तो हुजूर जाकर उसके बाल पकड़कर खींचकर उठा के फेंक दिए। वो उठ के बोला कि भाई वो भी चचा मैं भी चाचा। तो आपने फरमाया दोनों चचा तो है लेकिन मुझे अबू तालिब से मोहब्बत है। ये उसके दिल में बैठ गया। वो कहा कि ठीक है अबू तालिब से मोहब्बत है, तो वो ठान लिया कि जब कभी तुम्हारा मामला हो बिगाड़ूंगा। तो ये दो के दो दावतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी दावत भी आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करना ही चाहते थे, वो भी कर दिया। बात आई गई, चंद दिन के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद की और एक आयत नाजिल फरमाया। क्या फरमाया? वअंदिर अशीरतकल अक्रबीन। ए हबीब आप उठिए, अपने रिश्तेदारों को जमा करके आप बात बयान कीजिए। तकरीबन 3 साल का अर्सा इसको गुजर चुका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूहे सफा पर चढ़े और वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े दर्द भरे अंदाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत की। और जो दावत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया, उसके कुछ अल्फाज आपको मैं बता देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बहुत पहले आवाज़ दी, तमाम कबीलों को पुकारा, ए बनी अब्द मुनाफ, ए बनू तमीम, ए फला कबीला, ए फला कबीला, ए फला कबीला। और उस वक्त का तरीक़ा था, जब कोई पुर ख़तर मामला होता तो वो लोग सफ़ा की पहाड़ी पर आकर, वो मीडिया पॉइंट था। सफ़ा की पहाड़ी क्या था? एक मीडिया पॉइंट था, जैसे आप प्रेस क्लब वगैरह होता है वहाँ चले जाएँ तो पूरे आ जाते हैं, क्या अहम बात है। तो जो कोई उस वक्त होता, कोई बड़ी बात होती, वहाँ आ जाते। हुजूर वहाँ पर चढ़े और चढ़ने के बाद, और वहाँ का तरीक़ा क्या था, और एक वो पहाड़ पर ऐसे ही नहीं चढ़ते लोग, पूरे कपड़े निकाल कर बराहना होकर ठहरते, क्योंकि लोग अट्रैक्ट हो, कोई बड़ी बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल अपने लिबास में जाकर ठहरे और आवाज़ दिए। और जब हुजूर आवाज़ दिए सफ़ा की पहाड़ी पर ठहर के आवाज़ देने का मतलब ये था कि बड़ी बात है हर कबीला शरीक होना, अगर कोई नहीं आ सका तो अपना रिप्रेजेंटेटिव भी जाता। हुजूर वहाँ पर बुलाए, बुलाकर लोगों से कहा कि बताओ मैं कौन हूँ। उस वक्त तक पब्लिक में ये बात नहीं आई थी, खवास में थी, खास खास रुसा में थी, अब पब्लिक में बात आ रही है उमूमी तौर पर। हुजूर ने सबसे पूछा कि मैं कौन हूँ। सबों ने कहा कि आप सादिक हैं, अमीन हैं, अच्छा मेरी बात पर यकीन है। कहा कि हाँ, ये पहाड़ के उस जानिब अगर मैं कहूं कि एक दुश्मन फौज ठहरी हुई है जो तुम पे हमला करेगी, यकीन कर लेंगे? तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, जरूर यकीन करेंगे, आज तक आपने हमसे गलत बात नहीं कही थी। तो हुजूर ने फरमाया कि मैं ऐसे ही जैसे इस पहाड़ के इस चोटी पे ठहरा हुआ हूं, दुनिया और आखिरत के दरमियान ठहरा हुआ, जैसे मैं तुम्हें यहां देख रहा हूं, तुम्हारा आखिरत का अंजाम भी मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, मैं तुम्हें क़यामत के रोज के अजाब से डराता हूं, मैं अल्लाह ने मुझे रसूल बना करके भेजा है, तुम अगर नजात चाहते हो तो ये बुत परस्ती छोड़ो। और जब हुजूर ने अपनी बात बयान की तो फिर अबू लहब ठहरा हुआ था और चीखने चिल्लाने लगा और कहने लगा कि अल्लाह तुझे हलाक कर दे, नऊज़ु बिल्लाह, तेरी नस्ल को ख़त्म कर दे अल्लाह, तूने हमें इसलिए जमा किया है, तब्बन लका या मुहम्मद, अल्लाहु अकबर, नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अबू लहब की ये पै दर पै गुस्ताखियाँ नापसंद नागवारा हुई। चुनाचे रब्बुल आलमीन ने कुरान की वो आयत नाजिल की, वो सूरत नाजिल फरमाई जो 30वें पारे में आखिर में है, तब्बत यदा अबी लहब वतब, अबू लहब के दोनों हाथ झड़ जाए, मा अग्ना अन्हु मालहु वमा कसब, वो जिस माल और दौलत पे जो इतरा रहा है ना उसका माल उसे काम में आएगा ना मेहनत काम में आएगी। और अबू लहब ही जालिम नहीं था, अबू लहब की बीवी भी बड़ी जालिमा थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वम्रातुहु हम्मालतल हतब उसका ही नाम लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस गजबनाक आलम में, इस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस गुस्से में उस आयतों को नाजिल फरमाया कि अबू लहब और उसकी बीवी गुस्से के मारे में आग बगोला होती। ये आयतें नाजिल हुई तो अबू लहब की बीवी बड़ा सा पत्थर और ग्रेनेड लेकर के दौड़ने लगी, मक्के के अंदर आई हरम के अंदर और पुकारने लगी, कहाँ है मोहम्मद? हजरत अबू बकर हुजूर के साथ थे। हजरत अबू बकर डर गए, फरमाया या रसूलल्लाह वो बहुत गुस्से में है, बड़ा सा ग्रेनेड लेकर भाग कर आ रही है, आप पर मारेगी। हुजूर फरमाते अबू बकर परेशान ना हो, आने दो उसको। वो करीब आई, आके हजरत अबू बकर से पूछती है कहाँ है तुम्हारे साहब?
हज़रत अबू बकर परेशान है, बाजू ही हुजूर है, समझ गए अबू बकर कि वो देख नहीं पा रहे। हुजूर ने, हज़रत अबू बकर ने पूछा क्या हुआ, उम्मे जमील उसका नाम था, क्या हुआ उम्मे जमील नहीं दिख रहे हैं। कहा कि मजाक मत करो, कहाँ है उन्होंने, पत्थर डालना चाहती हूँ। हज़रत अबू बकर ने कहा कि ढूंढो, तुमको जहाँ नजर आए वहाँ करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत अबू बकर का ईमान पुख्ता होते जा रहा है। हुजूर ने फरमाया मुतमईन रहो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा इंतज़ाम फरमाया कि मौजूद है सामने, नज़र नहीं आते। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ से इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम और इस्लामी तहरीक की इब्तदाई जो जांबाज लोग थे उनके लिए बहुत मुश्किल हालात का दौर शुरू होता है। जो आज तक चाहने वाले थे, जो लाकर अमानतें रखाते थे, जो अपने फैसले करवाते थे, जो सादिकुल अमीन कहते थे, वो इस तहरीक के सख्तरीन दुश्मन और इस पर आने वालों के सख्तरीन दुश्मन बनने लगे। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ से हालात उम्मत मुस्लिमा को मजबूत करने, ताकतवर करने और हमारे अंदर हौसला और हिम्मत पैदा करने वाले हालात है। इंशाअल्लाह यहाँ से हम कल अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगार आलम अमल की तौफीक नसीब फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक सुनने और सुनाने की बरकतों से रब्बुल आलमीन हुजूर की मोहब्बतों में मोहब्बतें हमारे दिलों में मौला जागुजी फरमाए और इजाफा फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी हालतों पर रहम फरमाए। इस महफिल में आने वाले सबको परवरदिगार अपने फजल व करम से, अपनी इनायतों से, अपनी बरकतों से मौला माला माल फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यदिना मुहम्मद وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين آج بتا رہا ہوں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں بتا رہا ہوں نبی کا مطلب ہے غیب دان اور غیب کی خبر پہنچانے والا امی کسے کہتے ہیں یا کی نسبت کے ساتھ لگا دے تو وہ ذات جو ماں پیٹ سے پڑھا لکھا پیدا ہوا کائنات میں کوئی مل جائے سرکار کے قدموں اور ان کی چوکھٹ سے کبھی آپ کو بے نیازی ملنے والی نہیں